से लगातार एक तरफ पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं नेताजी, और एक तरफ ये बच्चे रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। नेताजी मरिए, नेताजी के पेड़े तो तैयार हैं। ये देखिए यहाँ पे ये तस्वीरें जे के लिए रखाई थी, अब वो बन नहीं पाए तो जारी रखी। तो भगवान की तरह मानता हूँ, मैंने 2004 में भागवत कराई थी मंत्री जी की सरकार बनने की खुशी में। 17 मांगों का मांग पत्र दिया था, सारी उन्होंने पूरी करा दी। हमारे करोड़ों रुपया मेरे गांव में लगा दिया। कल से मैंने भोजन नहीं किया हूँ। नेताजी जी ऐसा कोई आया ना आएगा, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, क्लास 12 का छात्र हूँ, फिर भी देखिए मैं नेताजी के लिए कितना क्या किया है। ये नेताजी का प्यार ही है, और क्या है, क्यों परेशान हूँ क्या? मैं सुबह से आया हुआ हूँ, क्योंकि नेताजी जैसा ना कोई आया ना कोई आएगा। नेताजी जिंदा तो हमेशा हम लोगों के लिए की आत्मा को शांति देगा। उनके जैसा मतलब ना ही आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मतलब उन्होंने, मैं उनसे मिला नहीं कभी, लेकिन प्यार उनके लिए हमेशा दादा एक तरह रहे हमारे लिए। कल जैसे सुना कि वो खत्म हो गए, इतना रोया मैं बता नहीं सकता हूँ, कितना रोया मैं, आप देख ही सकते हो। नेताजी की करीब नहीं हुई, लेकिन आंखों से देखिए आप खड़े हैं, और मेरे लिए सब अब वो हो जा रहे हैं। आंखों से ये दुख है, ये नेताजी के सर साफ रहे उस दौर में, उनके ये देखिए ये कैसे इनके आंखों से लगातार एक तरफ पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं नेताजी, और एक तरफ ये बच्चे रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। और अब सब में मैं कह तो रहा था ऐसे में सब नहीं प्रधानमंत्री बनाने के लिए रखाई थी, अब वो बन नहीं पाए तो जारी रखी। तो अनन्य भक्त में लगा दिया। इधर साजी, इधर रोशनी आ रही, चेहरा नहीं आ रहा है। इधर जरा आइए दादा, इधर आइए। ये देखिए यहाँ पर अभी देखिए दो तस्वीरें, एक तरफ नेताजी पंचतत्व में विलीन हो रहा है, दो तस्वीरें, एक युवा, एक बच्चा सैफई में बिलक बिलक के रो रहा है, नेताजी के जो है मुखाग्नि दी गई है उनके अंत्येष्टि पर बिलक बिलक के एक बच्चा रो रहा है, और एक बुजुर्ग जिन्होंने शपथ ली थी कि नेताजी प्रधानमंत्री बनेंगे तब मैं दाढ़ी बनवाऊंगा, यहाँ पर 14 साल बता रहे हैं, 14 साल तक यहाँ अध्यापक रहे और नेताजी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उनको अफसोस है कि अब वो दाढ़ी ये अपनी कभी नहीं हटा सकते हैं। ये इनकी बातें सुनिए, और ये सब जरा हम चाहेंगे जरा आप आओ। क्यों आप क्यों इतने भावुक हो गए नेताजी? नेताजी मरिए, नेताजी के पेड़े तो तैयार हैं। ये देखिए यहाँ पे ये तस्वीरें, जैसे ही ये देखिए तस्वीरें, देखिए ये देखिए, ये देश और प्रदेश ने एक नेता खोया, लेकिन हम इटावा मैनपुरी वालों ने अपने घर का एक मुखिया खो दिया है। आदरणीय नेताजी हमारे लिए दिलों में बसते हैं, वो अमर रहेंगे हमारे हमारे भगवान थे। उन्होंने इटावा जिला को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाया कि आज इटावा जिला की पहचान अलग से ही है। कि अगर कह दो कि इटावा जिला से, तो लोग कहते हैं कि आप माननीय मुलायम सिंह अखिलेश जी के जानते होंगे। आदरणीय मुलायम सिंह नेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इटावा जिला का नाम इतना ऊपर किया है। ये देखिए सारे जो नौजवान हैं, मैं सुबह से बुजुर्गों से बात कर रहा था, सैफई में बुजुर्गों से बात कर रहा था जो नेताजी के दौर के थे, नेताजी से मिलते जुलते थे, लेकिन इस समय जब ये अंतिम दौर में जब नेताजी को मुखाग्नि दी गई, तो इन युवाओं को देख करके वास्तव में मेरा भी दिल भर आया है कि बिलख बिलख के रोते हुए कि हमारा अभिभावक,
हमारा भगवान चला गया। आप बता रहे थे कि आप यहाँ पे अध्यापक रहे, नेताजी आपको बहुत मानते थे, उनके बहुत करीब थे। मैं तो भगवान की तरह मानता हूँ। मैंने 2004 में भागवत कराई थी मंत्री जी की सरकार बनने की खुशी में। 17 मांगों का मांग पत्र दिया था, सारी उन्होंने पूरी करा दी। हमारे करोड़ों रुपया मेरे गांव में लगा दिया। कल से मैंने भोजन नहीं किया हूँ। भगवान हमारे हैं, वो भगवान की तरह नित्य में आराधना करता हूँ। मैं डायरी लिखता हूँ, परिवार में जन्म मिले, दोबारा फिर प्रधानमंत्री बने थे, इसकी सेवा करें। इनके लिए सर कोई नेता हो नहीं सकता, मैंने देखा नहीं। सबका सम्मान करते थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई फैसला नहीं। ये आप देख रहे हैं, ये बिरले तस्वीर है। ये तस्वीर आप समझिए कि इतिहास में कैद होने वाली तस्वीर है कि एक नेता, इस देश का एक ऐसा नेता जिसके मैं, आप याद करेंगे एक वीडियो में तमिलनाडु और केरल से आए हुए लोग भावुक थे और जिनकी भाषा भी हिंदी बोल नहीं पा रहे थे, और यहाँ पर देख रहे हैं 20-22 साल के युवा, नौजवान युवा से लेकर के और 80 साल 75 साल के बिलख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सैफई में, ये तस्वीर सैफई से आप देखिए कैसे, मतलब हमने आपको दिखाया युवा 20-22 साल के युवा से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक को बिलखते हुए, रोते हुए इस सैफई में जब अंत्येष्टि की गई और पंचतत्व में विलीन हो रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव, उस समय कैसे भावुक हैं, गमगीन हैं लोग यहाँ पर और आँखें उनकी भरी हुई हैं। बात किया जो नेताजी के दौर के थे, अभी जैसे ही मुखाग्नि दी गई, मैंने यहाँ पे 20-22 साल के बच्चे से लेकर के और 75 साल के बुजुर्ग को फूट फूट कर रोते बिलखते देखा। ये नेताजी के जाने के बाद ये तस्वीरें कैसे दिल में आप बसा के रखेंगे? घूमते रहे, सबकी बात सुनते रहे, हमेशा साथ बैठते रहे, माता सही कहते रहे। आप और नेताजी, नेताजी पंचतत्व में विलीन हो गए, कोई बात देखिए, कोई कुछ कहने की भी अब हालात में, स्थिति में नहीं नज़र आ रहा है। लोग इतने भावुक हो गए हैं कि अब उनके शब्द खत्म हो गए हैं, निःशब्द हो गए हैं इस पल को देख करके, जब नेताजी सदा सदा के लिए यह लोग को, इस धरती को छोड़ करके वो लोग वासी हो गए और नेताजी पंचतत्व में विलीन हो गए। इसके बाद बहुत से लोग निःशब्द हैं। अब तक जो लोग बात कर रहे थे, बहुत से लोग अब बात करने की कंडीशन में नहीं है, बोल भी नहीं पा रहे हैं कि क्या बोले नेताजी के लिए। और वो तस्वीर आपने देखी ही कि जैसे ही मुखाग्नि दी गई, एक नौजवान 20-22 साल का बच्चा फूट फूट के रोने लगा, एक बुजुर्ग रोने लगे। ये तस्वीरें हैं, ये देखिए करीब से नेताजी के अंत्येष्टि से निकल करके कुछ लोग आए हैं। जी, नेताजी अब पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, आखिरी श्रद्धांजलि। बहुत ही कष्ट का विषय है, हम लोग इतने भावनात्मक हैं कि हमारे शब्द नहीं निकल रहे हैं। हमारे एक युग का अंत हो गया है, हम उस उम्र में नहीं हैं, हम युवा हैं, लेकिन हम फिर भी समझ सकते हैं कि आई एक हमारे युग का अंत हो गया है, जो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, समाज में दबे कुचले, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की जो आवाज़ नेताजी सड़क से लेकर संसद तक उठाते थे, आज वह आवाज़ डूब गई है। और एक तरह से हम सब लोग बेसहारा की स्थिति में, हृदय भरा हुआ है और बहुत ही दुखद क्षण है। यहाँ आप देख सकते हैं इतनी अपार भीड़ है, हर व्यक्ति की आंखें नम है, हर व्यक्ति की आंखों में आंसू। और आप कोई नेताजी के लिए दो शब्द जिसको भी बोलना है बोल सकता है नेताजी को, ये अंतिम श्रद्धांजलि। और हालांकि ये तस्वीरें तो दिलों में और इतिहास में सदा के लिए कैद हो चुकी है। नेताजी के बारे में जो भी कुछ कहा जाए वो कम है। नेताजी गरीबों और मुसलमानों के बहुत बड़े नेता थे, गाड़ी रोक के सबका हाल चाल देते थे, गरीबों का दुख दर्द सुनते थे। नेताजी ऐसा ना कोई आया ऐसा है क्या नेता? हाँ बेटा बोलिए। नेताजी जी ऐसा कोई आया ना आएगा, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, क्लास 12 का छात्र हूँ, फिर भी देखिए मैं नेताजी के लिए कितना क्या किया है।
ये नेताजी का प्यार ही है। और क्या है, क्यों परेशान हूँ, क्या मैं सुबह से आया हुआ हूँ, क्योंकि नेताजी जैसा ना कोई आया ना कोई आएगा। नेताजी जिंदा हमेशा हमने हम लोगों के लिए आत्मा को शांति उनके जैसा मतलब ना ही आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। मतलब उन्होंने, मैं उनसे मिला नहीं कभी, लेकिन प्यार उनके लिए हमेशा दादा एक तरह रहे हमारे लिए। कल जैसे सुना कि वो ख़त्म हो गए, इतना रोया मैं बता नहीं सकता हूँ, कितना रोया मैं, आप देख ही सकते हो। ये आप देख रहे हैं दिल कैसे भरा हुआ है, मैंने अभी देखा। आप इस बच्चे को देखिए, इसके पहले एक बच्चे को आपने देखा था, कैसे ही जैसे मुखाग्नि अखिलेश यादव ने दी नेताजी को, और फूट फूट के रोने लगा बच्चा, 20-22 साल का बच्चा, जो नेताजी के दौर में नहीं रहा, नेताजी के करीब नहीं रहा होगा, लेकिन दिल में इतना नेताजी को अभिभावक, इस क्षेत्र के खासकर जो बच्चे हैं वो भी मानते हैं कि हमारे घर का एक अभिभावक, हमारा अभिभावक चला गया हमारे बीच। और कोई कुछ बोलना चाहता है? नेताजी गरीबों के मसीहा थे, और हम मतलब गरीबों और पिछड़ों को उन्होंने जागरूक किया। जिस प्रकार नेताजी ने मतलब पूरे भारत में पिछड़ों को और हक दिलाने का काम किया है, वो हमारे लिए भगवान है नेताजी। नेताजी के लिए तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, और माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी धरती पुत्र में कई बार कहा, कितने नाम हैं इस क्षेत्र के आसपास, तो लोग मंत्री जी करके बोलते हैं, पंचतत्व में विलीन हो गए, और उनकी अमिट छाप, लेकिन जो सियासत में, राजनीति में, व्यक्तित्व में, विचारों में एक अमिट छाप छोड़े गए हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव, वो अमिट छाप कभी भी मुझे नहीं लगता है धूमिल होगी। क्योंकि जो जैसे हम बात कर रहे थे, तमिलनाडु और केरल से आए हुए जो नेताजी के चाहने वाले लोग थे, वो भी कह रहे थे कि ह्यूमन लविंग, मतलब इंसान को प्यार करने वाला शख्स, वो शख्सियत, वो व्यक्तित्व जो इंसान से प्यार करता था, जो अपने लोगों के लिए किसी तरीके का मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए, रक्षा मंत्री के पद पर होते हुए, अगर अपने लोग हैं उन अपने लोगों के लिए हमेशा, जिसके दरवाजे, जिसके द्वार हमेशा खुले रहते थे, ऐसे नेताजी मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। कल से कल शाम करीब 4:30 बजे के बाद में तब से दर्शन करने वाले राजदाता, मैं यहाँ पर जब से पहुँचा हूँ मुझे लगता है कि यहाँ पर कई लाख की भीड़, यहाँ तक आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग अंतिम दर्शन करके सैमी से जा चुके हैं, उसके बावजूद अभी भी पूरा सैमी खचा खच भरा हुआ है। जहाँ जो लोग यहाँ जगह नहीं पाए हैं, वो कहीं भी खड़े होकर के वहीं से निकल श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और याद कर रहे हैं उनके अंतिम सफर के साक्षी जवाब बन रहा है। आप इन तस्वीर चौक पर देखिए, राजनीति के एक युग का अंत है ये, और ये तस्वीरें ये सदा के लिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो अपने घरों में मौजूद हैं, उनके दिलों में ये तस्वीरें कैद होकर के रह गई हैं हमेशा के लिए। और इसके अलावा ये तस्वीरें इतिहास में भी साथ हो रही हैं, जो उनके दिलों में कैद हो रही हैं, इतिहास में कैद हो रही हैं। और इन तस्वीरों को देख करके भविष्य में संभवतः कुछ नेता भी राजनीति के कुछ मानदंड जो है उनका पालन करेंगे, मापदंडों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे कि कैसे सियासत, कैसे राजनीति करके कोई इतना लोकप्रिय हो सकता है, जहां पर पूरे प्रदेश के कोने कोने से ही नहीं, देश के अलग अलग प्रदेशों से, सुदूर दक्षिण भारत से, केरल और तमिलनाडु से उनके चाहने वाले आकर के श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, कई गाँव में
जो गांव मुलायम सिंह का था, नेताजी का था, उस गांव में ही आज पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। हमारे समाज में सब तस्वीरें आप लाइव देख सकते हैं।